कंदोई साहब आप तो यहाँ बैठे हो, खाना कौन बनाएगा? मुँह में कैसे आएगा? वो नदी का भाटा बिछी रही है पैसा में। बाप रे, फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम उदयपुर जा रहे हैं, साथ ही साथ सुबह के जो भी मॉर्निंग रूटीन्स है वो पूरे कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मम्मी है नहीं घर पे, मम्मी बाहर गए हुए, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी करके जाना पड़ेगा क्योंकि भाई जी दो अभी बर्तन धोने के लिए भाई जी आ जाएगी तो उसका भी काम वो कर लेगी, घर में झाड़ू पोछे भी करवाने के लिए, रूम्स में करवा दूँगी, फिर रूम्स लॉक कर दूँगी। मैं जी आ गई हूँ, मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गई। और आजकल हम थोड़े जल्दी उठ रहे हैं, 5:30 बजे उठ जाते हैं क्योंकि सब जने मिलके योगा करते हैं। वो आपको रूटीन मेरे आने वाले व्लॉग में देखने मिलेगा क्योंकि मैं शूट करूँ सोच रही थी पर क्यों ना, मैंने डिस्क्राइब करके बताऊँगी जब से हम उठते हैं तब से, क्योंकि आज मैंने व्लॉग शुरू से स्टार्ट नहीं किया था तो दिखाने में मज़ा नहीं आएगा। तो अभी मैं मिट्टू का खाना रख रही हूँ और बाकी के काम कर रही हूँ, मिट्टू की शैतानी चल। तो हम दोनों तैयार हो चुके हैं, घर का भी काम हमने ऑलमोस्ट कर दिया है। आज चिकू पूरे ऑल ब्लैक हैं और मैं पूरी ऑल वाइट, मैं कंप्लीट रेडी। अब जा रही हूँ चिकू के पास गाड़ी में, ये पानी का कैंपर भी भर दिया है बुआ के लिए, मैडम भी आ गए, भाई जी झाड़ू पोछे वाले, बता देती हूँ काम सारा। आज मैं और चिकू दोनों आए उदयपुर, बहुत सारे काम लेकर आए हैं। एक काम तो अभी कर दिया है, चिकू की शॉप के जो डिस्प्ले थी उसको रिपेयर में देना था तो अभी दे दिया है। यहाँ से हम जा रहे हैं अभी हमारे लंच के लिए क्योंकि 11 बज चुकी हैं, तो एक बार खाना खा लेते हैं फिर सारे काम करेंगे, नहीं तो खाना खाना ही रहेगा दिमाग में। आज थोड़ी डिफरेंट टाइप की शॉपिंग है। अभी आ गए हैं हम हमारा लंच करने के लिए सेलिब्रेशन मॉल के अंदर, मैकडी है वहाँ पर हम अंदर नहीं जाएंगे, कार में ही मंगा लेंगे, यहीं से खा के फिर बिना दी को लेने जाएंगे क्योंकि जो हमको शॉपिंग करनी है उसमें बिना दी का थोड़ा यूँ गाइडेंस रहेगा तो सही रहेगा, उनको क्या सब पता है, उदयपुर का नॉलेज है। हम दोनों तो क्या नेविगेशन पर ढूंढेंगे भी, क्या ढूंढेंगे, जगह पता होगी, जगह पर एग्जैक्ट जाके शॉपिंग हमारी व्यवस्थित होगी। यहाँ पर लेनी है ना, यहाँ पर एक बार ऑर्डर दे देते हैं। तो हम आ गए अभी मॉल में, पहले तो यूँ था ना कि कुछ काम नहीं है मॉल में, बट फिर याद आया कि लेंस कार्ड में भी हमको जाना है, चिकू के चश्मे सही कराने हैं, तो अभी हम जा रहे हैं पीयूष बंसल की दुकान पे। अच्छा ऑर्डर दे क्या उधर से ही जाता है। ये बंद है इधर पीयूष बंसल के यहाँ, थोड़ी देर बाद जाएंगे। ये मैकडॉनल्ड्स जाके कहना है, ये पूरा मेन्यू बन गया है, पर वही चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर हो नहीं रहा था, हमको आना पड़ा। कंदोई साहब आप तो यहाँ बैठे हो, खाना कौन बनाएगा? ये हमारा यम्मी यम्मी लंच आ चुका है, बहुत टाइम बाद फैक्ट्री में खाने वाले हैं क्योंकि हम बहुत यानी जब भी आते थे तब ऊपर जाते थे डोमिनोज में, पर आज मैंने कहा यार थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं, मैगी में चलते हैं। मैकपफ, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं आज, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मंगाया है। आज हमने फर्स्ट टाइम ये महाराजा बर्गर ऑर्डर किया है, मैंने उसमें ऐड कर रही थी पर मैं आपको पूछ के कर रही हूँ, पर वो मिला ही नहीं ना कुछ भी। शिव जी ये पनीर बरगद बहुत टेस्टी है, चिकू कह रहे हैं। ये मुंह में कैसे आएगा? हाँ? ये मुंह में कैसे आएगा? कैसे आएगा यो? एक एक ट्रैक खाएंगे तो नहीं, ट्राई करेंगे पूरा खाने का, ऐसे आएगा मुंह में। सब आगे पीछे हो गया। पूरे बेचारे का यानी गति पूरी बिगड़ गई इसकी। अबे कैसे? मैं भी अब थोड़ी देर बाद ट्राई करूँगी, एक बार मेरा पनीर वाला बर्गर है वो खा लेती हूँ। मैं नॉर्मल बर्गर ही बड़ी मुश्किल से खा पाती हूँ, अब इतना बड़ा बर्गर मैं कैसे खा पाती हूँ देखो, बड़ी ये बहुत बड़ा है। ऐसे कहूँ
कितना बाइट हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं ये अंदर से इसकी पर्दे सब अलग अलग हो रही है, जमा नहीं पड़ेगी वापस। मैं तो खा लिया इतना, सब्जियां भी साथ साथ में खाता हूँ, टेस्टी बढ़ जाता है। ओ अपन को सब चीजें मिल जाएगी यहाँ पे, चलो ये ऑर्किड्स गार्डन वाले अपन ले सकते हैं। एक बार तो राउंड कर लेते हैं। अभी हम फाइनली आए हैं हमारे YouTube की शॉपिंग के लिए। नीचे एक डी आई वाई करके न्यू शोरूम खुला है, पता नहीं था कि इसके अंदर ये सब चीज़ें मिलती हैं। हम तो बाहर से करने वाले थे, लोकल मार्केट से, बट यहाँ पे ऑल ओवर चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, यहीं से कर देते हैं। और ये पत्थर भी है, वो नदी वाला भाटा भी सी रही है, पैसा में पैसा में नदी वाला भाटा भी सी रही है। और कल्याणपुर गणा मलेवाए, चलो ऐसे बेच रहे हो पता चलता है। और आंटी अभी सी रही वही दोरा भाटा कलर करीम भी सी रही किनारे पत्थर आते हैं वैसे ही आते हैं। इतना सिलेक्शन तो हो गया है, और भी हो ही रहा है, इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए थोड़ा सा। चीजें तो बहुत जोरदार जोरदार है, मस्त मस्त चीजें, होम डेकोर की तो बहुत शानदार चीजें हैं यहाँ पर। ये शॉपिंग हो गई है सारी, अब इसकी बिलिंग होगी। पूरा सामान यहाँ पर हम ले आए पार्किंग में, एक एक गाड़ी में अब जा रहा है। YouTube का कंप्लीट सामान आ गया है, अब हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा और काम है वो करके। आज हम बहुत जल्दी यानी ऑलमोस्ट फ्री होने आ गए, क्योंकि जो हमारा चेयर और टेबल लेने का काम था वो भी हो गया। एक अच्छी फर्नीचर की दुकान मिल गई, वहाँ पर सब कंप्लीट चेयर भी मिल गई और टेबल भी मिल गया। बाकी हमने चेयर एक अलग जगह पे देखी थी, पर टेबल था नहीं तो मेजरमेंट का पता नहीं चला। चिकू ने बोला पहले टेबल देखते हैं फिर चेयर लेंगे, क्योंकि टेबल की परफेक्ट साइज़ होगी तो ही पता चलेगा चेयर किस टाइप की चाहिए। दोनों चीज़ें हो गई है, दोनों हो गई है। हाँ मेन तो क्या छोटा ही लिया है, क्योंकि एडिटिंग में चुकू को बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बेड पे बैठ के भी कितनी देर तक एडिटिंग करेंगे, इसलिए फिर उन्होंने कहा क्यों ना प्रॉपर एक चेयर और टेबल ले लिया जाए। हालांकि हमने हमारा एडिटिंग रूम पहले शॉप के ऊपर बनाया था, पर शॉप के ऊपर चुकू को इतनी देर रहने का टाइम नहीं मिलता है, रात को ही टाइम मिलता है तो रात को कहाँ वहाँ पर रहेंगे, इसलिए फिर वहाँ उसे कैंसिल करके घर पर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन हमने सिर्फ सोचा था, हुई एक भी दिन नहीं, एक दिन दोपहर में आके की थी सिर्फ, एक दो बार करिए और वो इतना टाइम दे नहीं पाते फिर अच्छे। अच्छा हाँ प्रॉपर रात को ही क्या फ्री माइंड रह के आप बनाते हो ना, इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं जूडियो यहाँ पर, जहाँ पर मुझे थोड़े बहुत कपड़े देखने हैं, वो देख लेती हूँ आपके लिए, मेकअप के ट्यूटोरियल अच्छे अच्छे बनाने हैं ना, सो इसीलिए आ चुके हैं जूडियो। उधर है जूडियो और ये है मैक्स। अब दोनों में से जहाँ पर भी अच्छा लगा वहाँ पर परचेजिंग करेंगे, पर अभी एक बार जाते हैं कलेक्शन कैसा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, अभी हम दोनों देख रहे हैं, चिको भी यहाँ पर कपड़े एक एक देख रहे हैं। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कौन कौन सा कैसा है, जो शॉपिंग होती है वो बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर वन पीसेज और ये सब चीज़ें भी अच्छी है, एक वन पीस ले लो घूमने जा रहे हैं अभी। तो अभी मैं और चिकू दोनों जने शॉपिंग करके निकल गए हैं, और अच्छी खासी शॉपिंग हो गई है, अच्छी शॉपिंग हुई और चीज़ें भी काफ़ी अच्छी थी और बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट में थी, कलेक्शन अच्छा था। मुझे क्या सलोन पे और यूँ रेगुलर पहन के जाने वाले कुर्ते खरीदने थे, सो इसीलिए मैंने वो परचेस कर लिए। और ये यहाँ पर हमारे साहबजादे, आज मिट्टू के लिए पिंजरा भी लेना है, थोड़ी देर बिना दी के रेस्ट करते फिर मिट्टू के लिए पिंजरा लेते हैं। आज बहुत से काम निपटा दिए इसलिए थकान ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी से ज़्यादा एकदम हार्ड जाता है, क्योंकि एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाती है ऐसा लगता है। क्या मस्त बारिश का मौसम हो गया, एकदम बादल ही बादल हो गए और एकदम कम कम बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी जो अच्छी लगती।
जो अच्छी लगती है वो बारिश हो रही है, एकदम धमाधम बहुत सारी नहीं हो रही है। और मेरी बिंदी तो क्या पता कहाँ गई चेंजिंग रूम में चेंज करते करते कपड़े, अब बिंदी हट गई है, अजीब सी दिख रही हूँ मैं, बिगर बिंदी अच्छी दिखती ही नहीं हूँ, और जगह को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। सेक्टर 14 में बहुत भारी मात्रा में बारिश हुई है। अभी है ना मेरे से बहुत लड़ाई की इन्होंने, ओ मम्मा को लग गई, मैंने तो मारी ही नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी तुम पे। बनी हनी मनी फीलिंग समथिंग समथिंग, अरे ये एकदम मेरे ऊपर नहीं आ जाएगा, क्या नहीं आएगा ये डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं आएगा, तुमको क्या गारंटी है? बनी ए हनल, ओ चुको चुको आ गया, क्या करूंगा, तुम एक बार जाके इसको पकड़ लो, इसको सीढ़ियों पे चढ़ा दो जाके एक बार। ओ बनी कुछ आड़ा रख देना इसके, वो है होगा कुछ ना कुछ आड़ा। बिना दी के यहाँ से अब हम निकल रहे हैं और साथ में ही हम डिनर करके निकलेंगे। आज प्लान है कि बिना दी मैं हनी चारों जने हम साथ में डिनर करें। ओ बाप रे, छी, अरे यार गोबर लग गया मेरे पे। तो करो ना, और गाड़ी खराब होती है पता है ऐसे, तो क्या मेरे तो कभी लगा नहीं है, पहली बार लगाई है। क्या यार गोबर लग गया, पर बिना दीदी ने साफ करवा दिया। अभी हम जा रहे हैं डिनर करवा, बाजी का वा, जी को भाजी खाने कब जा रहा है, अब फाइनल भाजी कब खाएगा तू? भाजी खाता हूँ ना मैं। नहीं यार वो भाजी, अच्छा वो, हाँ फाइनल अब कब है चालू करने का? आते महीने कर देंगे, भाजी तुम भी चालू करे मेरे घर से ही करना, आते महीने करना, क्योंकि क्या वैरायटी फिल्म। अभी हम मिट्टू के लिए पिंजरा लेने के लिए आए हैं, क्योंकि मिट्टू का पिंजरा बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, इसलिए वो बड़े हो गए ना, पिंजरा छोटा नहीं हुआ। कोई कॉन्टेक्ट है क्या दीदी? आपने कुछ नोटिस नहीं किया पूरे में? पूरे में कुछ नोटिस नहीं किया आपने? शूज़ भी ब्लैक वाले धुले हुए नहीं थे, नहीं पूरे ब्लैक वाले शूज़ भी पहनने वाले थे। तो हम आ गए हमारी ऑल टाइम फेवरेट पार्क व्यू, पार्क व्यू में जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, वेज भी बहुत अच्छा है, सलो भाजी खावा में, भाजी खावा में। ओ मैं भी डर गई, ये कौन है, मैं खुद डर गया, अरे गुगराले बात अलग ही दिख रहा है, देखो चिप से और ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आता है फोर्थ फ्लोर पर, नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ था ना, कहाँ जाना है, सिक्स फ्लोर पे जाना है। ये बच्ची को ये वाला तो यार डर लग के सही था, यू नहीं को उल्टा लटक, ऑल टाइम फेवरेट प्लेस। फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना था, और हनी ने तो इतना ज़्यादा खाना खाया है जिसकी कोई हद ही नहीं है, और आप मैं टाइम लैप्स एंजॉय किए ही होंगे, आप देख सकते हो बाहर का मौसम कितना जोरदार हो रहा है। आप व्लॉग्स बनाते हो? अभी हम डिनर करके जैसे ही आए, वैसे चिकू बोल रहे थे कि मम्मी का फ़ोन ब्रेक हो गया है, तो आज हमने ले लिया है मम्मी के लिए न्यू फ़ोन, घर जाके बताएंगे कौन सा फ़ोन लिया है। अभी तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कहाँ से लिया है, वो तो फिक्स है जहाँ पर हम हमेशा लेने आते हैं, और एक फ़ोन और लिया है ये, तो दोनों फ़ोन लेके अब हम जा रहे हैं बिना दी के घर पर, फिर बिना दीदी और हनी को करेंगे ड्रॉप, फिर हम जाएंगे ऋषभ देव के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए, 9:30 हो गई, जल्दी फ्री हो गए थे, पर बिना दीदी के वहाँ बैठे थे और फिर डिनर करने गए, काफ़ी टाइम हो गया, अब एक बार घर चलते हैं। बाय बाय, बाय, जाते ही, ओके ओके, जाते ही क्या क्या, अच्छा पबजी, अच्छा एक थप्पड़ पड़ेगी, खेलते ही नहीं हम, हाँ वाह।
ओके बाय। बिना दी के घर से हम निकल चुके हैं, अभी हमको जाना है बुआ के घर पे, जो हम सुबह पानी लेके आए थे बुआ के लिए, उससे खाली कैंपर्स हैं, वो वापस घर लेके जाना है क्योंकि वापस भेजना पड़ता है ना, इसलिए तो बुआ के घर पे होते हुए जाना है। ओके ओके तो अभी हम निकल जाते हैं, काफी लेट हो गए आज 10 बजे, फ्री कब से हुए थे यार, टाइम हो गया आज तो बहुत अपन ने चिल कर दिया। ऑलरेडी लेट हो गए हैं और फिर से ट्रैफिक मिल गया है आधे घंटे का ट्रैफिक जाम मिला है हमको, और आधे घंटे से हम यहाँ पर रोड पर पुराने पुराने गाने सुन रहे हैं। चिकू जो मम्मी का नया फ़ोन लाया है वो फ़ोन चला रहे हैं, क्योंकि इनको तो इन सब चीज़ों में इतनी यानी क्यूरियसिटी रहती है, कब मैं चला लूँ टाइम इनको मिल गया। गाड़ी चलाते चलाते चेक कर ही रहे थे, पर भगवान ने स्पेशल इनको ये ट्रैफिक जाम करके दे दिया, और अभी तक हम आधे घंटे से यहीं फंसे हुए हैं। लेट भी काफ़ी हो गए, 10:30 हो गई है, और ये क्या पता धीरे धीरे जा ही रही है। पीछे की तरफ तो धीरे धीरे थोड़ी गाड़ी बढ़ी, फर्स्ट हमको एक्सीडेंट हुआ मिला था इसलिए सब ट्रैफिक जाम हुआ था, अब आगे क्या हुआ है क्या पता। देखो अब क्या होता है, आज हम कितने बजे पहुँचते हैं देखो। सिर्फ इतना रोड बन रहा था इस वजह से एक घंटा हमको ट्रैफिक में फंसना पड़ा है, एक घंटे से हम सिर्फ खड़े थे, और क्या मस्त नींद आया, ऐसा भी हो गया जो बीच में मिट्टी ज़्यादा ऊँची हो गई है वो नहीं अड़नी चाहिए वापस अपनी गाड़ी नीचे है। अब मेन रोड मिल गया है हमको, अब गाड़ी चिपका के चलेगी, अब सीधा अब घर जाके ही मिलेंगे हम आपसे। इतने इरीटेड हो गए, चिकू तो फोन चला रहे थे मस्त, पर इरीटेड तो हुए होंगे। जबरदस्ती चला रहा था क्या करें, हाँ वो अपने माइंड को भी डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, अगर ऐसे टाइम में चिड़चिड़े हो जाएंगे फिर। इतनी ज़्यादा तेज नींद में हूँ मैं, चिकू अकेले गाड़ी चला रहे थे और कोई गाड़ी में था भी नहीं, तो सो भी नहीं सकती थी, बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया, नहीं सोना है। कंट्रोल उदय, फाइनली अब घर आ गए, अब घर के अंदर चलते हैं। मम्मी रात को सो गए हैं, उठा के दूंगा। अच्छा मम्मी को पता नहीं है मम्मी के लिए फोन आ गया है, पूछ रहे थे लेकिन मैंने लेट क्यों हुए क्या हुआ बताया ही नहीं कि इसलिए लेट हुए हैं, क्योंकि फ़ोन लेने में ही हमको डेढ़ घंटा तो हो ही गया था वहाँ पे। मम्मी तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 12:00 हो गई है। तो अब कल के व्लॉग में आपको देखने मिलेगा जो भी मम्मी का रिएक्शन है वो, अभी सो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, मम्मी भी सो गए हैं। अगर आज का व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से।